वेलकम टू ग्रो बैक गार्डनिंग फ्रेंड्स। आज का मैं प्लांट लेके आया हूँ, एक ऐसा प्लांट जो अपने कलर को चेंज करता है, एक परमानेंट प्लांट है जो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा हिप्सकस मेटाबलिस का। इसको कॉन्फेडरेट रोज़ भी बोलते हैं, इसको कॉटन रोज़ भी बोलते हैं, हिंदी में इसको स्थल कमल कहते हैं। और ये एक परमानेंट प्लांट्स है फ्रेंड्स, जिसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है ऑटम में। अक्टूबर नवंबर में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये अपने कलर को चेंज करता है। तो देखिए, आज ये ब्लूम पे है, मॉर्निंग में इसने, ये मॉर्निंग का टाइम है। और देखिए, इसका जो कलर है ये कुछ वाइट कलर का है, और अब ये धीरे धीरे पिंक कलर का हो जाएगा शाम होते होते। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही इजी गोइंग प्लांट है, एक परमानेंट प्लांट है, जिसे आप बड़ी इजीली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको इसके लिए बहुत ही वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनानी है, ऐसी मिट्टी जिसमें परलाइट या रेत हो, जिसमें पानी रुके ना। और इस प्लांट को पानी आप जब ही दें जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो गई हो, ज़्यादा मॉइस्चर नमी इसकी जड़ों को पसंद नहीं है फ्रेंड्स। इसको फुल सन पसंद है, आप इसको ऐसी लोकेशन पे रखें, गार्डन में ऐसी लोकेशन पे लगाएं जहाँ पे इसको 5 से 6 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट मिलता रहे। क्योंकि ये फ्लावरिंग ऑटम सीजन में करता है, तो जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होने लगे तो आप अगस्त सितंबर में इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, इसकी थोड़ी कटाई छटाई कर सकते हैं। देखिए, इसने अपने कलर को चेंज कर दिया और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें दे सकते हैं। एक बार इसमें कलियाँ आ जाएँ, इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स आ जाएँ, तो आप इसमें फर्टिलाइज़र ना दें फ्रेंड्स। और ये कटिंग से बड़े ही ईजिली आप इसको लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेनी सीजन में, स्प्रिंग सीजन में आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सीड से भी फ्रेंड्स ये बड़े ही ईजिली ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और देखिए, इसका जो कलर था मॉर्निंग में वाइट कलर था, और अभी इवनिंग में देखिए ये पूरी तरह से पिंक कलर का हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।